यही है अंदर जाने का रास्ता और यही है मेदांता हॉस्पिटल। अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर जाके कैसा लगता है। यहाँ पे आप जो भी मन्नत मांगोगे जरूर पूरा होगा, लेकिन आप दिल से मांगना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आपका भाई जा रहा है मेदांता हॉस्पिटल, और मेदांता हॉस्पिटल कैसा है आप जानते ही हो, काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल है मेदांता हॉस्पिटल। इंडिया का तो काफ़ी फेमस है, यहाँ पे फॉरेन से भी लोग, अफगानी हैं, साउथ अफ्रीका के लोग हैं, उसके बाद और भी कई सारे कंट्री के लोग हैं जो यहाँ पे अपना इलाज करवाने ज़रूर आते हैं। मैं आपको एक मेदांता हॉस्पिटल का झलक दिखाता हूँ। यही है पूरा मेदांता हॉस्पिटल, देख रहे हो आप वीडियो में। तो आज मैं जाऊँगा इसके अंदर और आपको जितना तक हो सके, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मैं अभी जा रहा था तो वो लोग वीडियो बनाना अलाउ नहीं कर रहे थे, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और जहाँ तक हो सकता है मैं सारा इन्फॉर्मेशन कवर करूँगा। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे मेट्रो से आ रहे हो तो जो नियरेस्ट मेट्रो है वो है हुडा सिटी सेंटर। हुडा सिटी सेंटर से मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर होगा, कोई भी आप ओला या उबर करके यहाँ आ सकते हो। और अगर आप ऑटो से आते हो तो हार्डली जो चार्जेस है 50-60 रुपीज़ आप थोड़ा निगोशिएट कर लेना। अब चलते हैं अंदर और आपको बताता हूँ। यही है मेदांता हॉस्पिटल और ये पीछे पार्क टाइप से बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी खुला में ये जो हॉस्पिटल है ये बना हुआ है, और ये पूरा पार्क एरिया है। यहाँ पे लोग जब भी अंदर से थक जाते हैं तो बाहर आके बैठते हैं। और ये है आई गेस लॉर्ड गणेशा, गणेशा ही लग रहे हैं आई गेस, ये है लॉर्ड गणेशा जो कि विघ्नहर्ता माने जाते हैं। और जैसे आप अंदर करोगे तो सबसे पहले इनका ही आपको आइडल मिलेगा सबको आशीर्वाद देते हुए। और जब आप अंदर जाओगे तो गुड थिंग ये है इस मंदिर में, इस हॉस्पिटल में, कि यहाँ एक मंदिर बना हुआ छोटा सा, जिससे जो भी पूजा अर्चना करना है यहाँ के कर सकता है। ये देखो, मैं आपको फ्रंट से नज़ारा दिखाता हूँ, जिससे कोई भी पूजा पाठ करवाना हो और अपनी मन्नत मांगनी हो वो यहाँ आके अपनी मन्नत मांग सकते हैं गुड विशेस के लिए, कि जो भी यहाँ पे भर्ती हुए हैं वो जल्दी ठीक हो जाए। तो अब चलते हैं आगे और मैं आपको पूरा यहाँ का व्यूज दिखाता हूँ। यहाँ पे ये व्हीलचेयर असिस्टेंट है और यहाँ पे हेल्प करने के लिए सब पार्किंग में एक एक चीज़ में, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए नॉलेज पॉइंट है, ट्रैवल डेस्क है, यहाँ पे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन जो भी पूछताछ करना है वो आपको मिल जाएगा। ट्रैवल डेस्क, ये है मेन एंट्री, एंट्री में जाने के लिए अंदर चलते हैं। जैसे ही आप आओगे ये आपको मेदांता की फार्मेसी दिखेगी, यहाँ पे जो कि मेदांता के डॉक्टर रिकमेंड करते हैं यहाँ पे वो मेडिसिन मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यह बिलिंग काउंटर, यहाँ पे सारी बिलिंग होती है, सैंपल कलेक्शन, ये भी फार्मेसी टाइप से है। बेस्ट थिंग ये है कि यहाँ पे विशेष है, ये यहाँ पे मन्नत पॉइंट है, अगर आप कुछ मन्नत मांग रहे हो। और यहाँ पे फिर ये जो है जो धागे हैं यहाँ बांधे जाते हैं और विशेष पूरी होती है ऐसा माना गया है। यहाँ पे आप जो भी मन्नत मांगोगे, अगर आपका कोई यहाँ पे अस्पताल में भर्ती है और आप जो भी मन्नत मांगोगे वो ज़रूर पूरा होता है अगर आप दिल से मांगो तो। ये देख रहे हो ये भाई साहब यहाँ पे अपनी विशेष इस धागे के रूप में बांध रहे हैं। वह टेलीविज़न बना हुआ है सारा का, जो आप बाहर वहाँ पे देख रहे थे यहाँ पे भी है। और यहाँ पे ये बैठने की जगह है, यहाँ पे बिलिंग और एडमिशन का जो प्रोटोकॉल्स है वो यहाँ पे आप कर सकते हो पे करके, और जो भी प्रक्रिया होती है यहाँ पे आप कर सकते हो। ये है हेल्प डेस्क, यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ATMs, ये है सैंपल कलेक्शन, यहाँ पे सैंपल कलेक्शन है, सैंपल सारे यहीं कलेक्ट होते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो देख रहे हो फूड स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है अंदर। फूड
फूड स्ट्रीट पे चलते हैं, देखते हैं खाने को क्या क्या मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे ग्लासेस का काउंटर है, जो भी आप अगर आप यहाँ पे आँख दिखाने के लिए आते हो और जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं यहाँ पे ले सकते हो। और चलते हैं फूड कोर्ट के अंदर। फूड कोर्ट पे यहाँ पे वगैनो है, द फूड स्ट्रीट है, KFC है और पिज़्ज़ा हट है। और इस घर है कोस्टा कॉफी। तो यही है, आई होप आप लोग सब समझ ही गए होंगे देखने के बाद। यही है, जितने भी आप फ्लैट्स देख रहे हो ये सब रहने के पर्पज से ही बनाया गया। जो लोग यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं वो यहाँ पे, इनके पास ये व्यवस्था नहीं होती है रहने की, वो यहाँ पे रूम लेके रहते हैं। और अगर आप मेडिसिन लेना चाहो तो आप देख रहे हो यहाँ पे कई सारी मेडिसिन हॉल है। और भी मैंने बताया है यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिल जाता है। और भी कुछ है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, वो जगह जो कि वॉकिंग डिस्टेंस ही है यहाँ पे, और वहाँ पे भी मेडिसिन काफ़ी मिल जाती है। वेदांता से बाहर आओगे तो बाहर के साइड में इतने सारे मेडिसिन्स बने हुए हैं, मेडिसिन के दुकान बने हुए हैं, कि यहाँ पे आपको जो भी मेडिसिन ढूंढो यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाएगा, और वो भी डिस्काउंटेड रेट्स में मिलेगा। 10-20% ये लोग इजिली डिस्काउंट दे देते हैं। मैं आपको अंदर ले जाके भी मिलवा देता, लेकिन ये लोग वीडियो बनाना अलाउड नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप जैसे भी जब मेडिसिन लेने आप यहाँ पे आओगे, सारे के सारे मेडिसिन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। यही सारे मेडिसिन के दुकान हैं जो कि मेदांता के जस्ट अपोजिट साइड है, और एक तरह से वॉकिंग डिस्टेंस। आई गेस आपने पूरा मेदांता हॉस्पिटल अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपके हिसाब से मैंने कुछ भी चीज़ मिस किया होगा, छोटी से छोटी चीज़, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त कुछ कुछ चीज़ें बातें ध्यान में नहीं होती है, तो अगर आई गेस मैंने कुछ भी चीज़ मिस किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताना। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक मेदांता हॉस्पिटल का फिर से एक वीडियो बनाऊँगा, और उसमें एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके कमेंट्स होंगे उसके हिसाब से। तो यही है आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।